अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कोशिश खबर नामे ज़ुहुर लोलाबी तंदिस खिदमतस मंज हाजिर तो पेश खबरन हज़ तफसील। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी सिंद तरफ आवाज दिल मंज मुनद कर आमच आलमी सरबरा इजलास नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस इफ्तिता कर तमोस पे कॉन्फ्रेंस खिताब करान दहशत गर्दी खिलाफ जुट ग लड़न तो हिंदुस्तान थाई पन कोशिश तोतम लगातार जारी योतम दहशत गर्दी हूं मुकम्मल खत्मत सपदे। तुम जी दहशत गर्दी जरिए हिंदुस्तान नुकसान वातान कोशिश लगातार करें तमेश बहादुरी सान दहशत गर्दी हूं मुकाबल कर्मुत। Our country faced the horrors of terror long before the world took serious note of it. Over the decades, terrorism in different names and forms tried to hurt India. We lost thousands of precious lives, but we have fought terrorism bravely. The delegates have a chance to interact with a country and people who have been firm in tackling terror. We consider that even a single attack is one too many, even a single life lost is one too many. So we will not rest till terrorism is uprooted. In today's world, ideally, there should be no need for anyone to remind the world of the dangers of terrorism. However, there are still certain mistaken notions about terrorism in some circles. The intensity of the reaction to different attacks cannot vary based on where it happened. All terrorist attacks deserve equal outrage and action. Further, sometimes there are indirect arguments made in support of terrorism to block जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी हंद तर्जुमान आला तनवीर सादिक सिंद तरफ से वन आमुत फारूक अब्दुल्ला पार्टी सदर अहद निश दस्तबरदार सपदमित अलबत् तमो सदारती अहदस पे लगातार फैज न रोजनस पे रजामंदी जाहिर करम। तमो वन जम वाल यकुम दसम्बर सदारती अहदस खतर नामजदगी फारम दाखिल कर जन 5 दसम्बर पार्टी सदर मुंतखब कर। देखिए, पहली बात डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने स्टेप डाउन नहीं किया, उन्होंने अपनी ख्वाहिश जाहिर की कि वो अब प्रेसिडेंट नहीं कंटिन्यू रहना चाहते हैं। बहुत सारे साथियों ने, कोलीग्स ने, सीनियर लोगों ने उनसे गुजारिश की कि वो कंटिन्यू करें, लेकिन उन लोगों का उनका फैसला था और उनका फैसला सर आंखों पर। उसी से अब इलेक्शन का एक प्रोसेस स्टार्ट होता है, जो हमारा आईन है उसके मुताबिक जो इलेक्शन प्रोसेस होता है उसमें नोटिफिकेशन निकली। जैसे अभी जनरल सेक्रेटरी साहब हैं, जो इनके कन्वीनर होंगे, रिटर्निंग ऑफिसर होंगे, उनने नोटिफिकेशन निकाली है यकुम दिसंबर तक जो जो नॉमिनेशन अपने भरना चाहते हैं वो भरें, उसके बाद 5 दिसंबर को इलेक्शन होगा। लेकिन तब तक 5 दिसंबर तक डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब वो तब तक प्रेजिडेंट हैं बदस्तूर। देखिए, वो तो सिर्फ फारूक अब्दुल्ला साहब जानते हैं कि उनका फैसला क्या होगा। मैं क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस का चीफ स्पोक्सपर्सन हूँ, उसके मुताबिक मैं ये आपको बता सकता हूँ कि वो ये इलेक्शन नहीं लड़ेंगे आगे। अब नॉमिनेशन होंगे, उसमें कौन कौन आगे आते हैं, कौन इसके नॉमिनेशन फाइल करते हैं, ये एक ओपन हाउस है
जमहूरी पार्टी है जमहूरियत के तरीके से चलेगी, और जो जो नॉमिनेशन उसमें फाइल करेंगे उसके बाद इलेक्शन में जो जीतते हैं वो हमारे नए प्रेसिडेंट होंगे। अभी पीएचईडी, देखिए पीएचईडी के बारे में तो मैं कुछ बोल नहीं सकता, मैं उनका स्पोक्स पर्सन तो हूँ नहीं। अब जहाँ तक पार्टी का डिसीजन है, उन्हें तो एज प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी की बात की है। अब पीएचईडी पे डॉक्टर साहब, मरकजी वजीर ममलिकत बराए पेट्रोलियम तो कुदरती गैस रमेश्वर तेली सिंह तरफ आवाज जिल बडगाम सड़को इंडस्ट्रियल कम्प्लेक्स दौर कर तमो हस्पताल तमीरती काम जायजे हेत अत मौक पे तकरीब हूं तंज कर तमो मजूर तबक सबस्त नफर पे जोर दुम जम ग पन नाव ई आश्रम कार्ड स्कीम मज दर्ज कर तम तरकजी स्कीम फायद तुल हकान। आप देख रहे हैं खूब सुंदर एक हॉस्पिटल की काम चल रही है यहाँ बडगाम में, और ये 100 बेड की हॉस्पिटल है और करीब 159 करोड़ की लागत से ये हॉस्पिटल हम बना रहे हैं। और हम एक हॉस्पिटल कब बनाते हैं, जब हमारी आईपी कुछ ऐसे स्टेट है जिसमें हम पहले तो 90,000 आईपी अगर रहते हैं तो हम एक हॉस्पिटल बनाते हैं। आईपी मतलब इंडिविजुअल पर्सन इंश्योरेंस पर्सन, हाँ, जो फैक्ट्री होना चाहिए, फैक्ट्री में जो लोग काम करते हैं जिसके प्रोविडेंट फंड जमा होते हैं, ऐसे लोगों के लिए हॉस्पिटल बनाया जाता है। तो यहाँ इंडस्ट्री बहुत कम है जम्मू कश्मीर में, और जैसे बताया गया सिर्फ 50,000 ही आईपी है इंश्योरेंस पर्सन, लेकिन इसकी संख्या बढ़ने से आज हम 100 बेड के हॉस्पिटल बना रहे हैं। अगर आईपी की संख्या अगर बढ़ती है तो हम बेड की संख्या भी बढ़ाएंगे, 200 बेड बनाएंगे, 300 बेड करेंगे, लेकिन आज सिर्फ 50,000 ही आईपी है क्योंकि यहाँ इंडस्ट्री बहुत कम है। अगर है तो रजिस्ट्रेशन नहीं कराए हैं, दिखाते नहीं हैं कि हमारा हम एक इंडस्ट्री खोले हैं, हमारी इतना लेबर है, ये दिखाते नहीं हैं, जिस कारण से सिर्फ 50,000 ही दिखाया गया। इसलिए यहाँ बहुत पहले हॉस्पिटल होने का काम था, क्योंकि आईपी की संख्या नहीं होने के कारण से हम नहीं बना पा रहे थे, लेकिन हमारी सरकार आने के बाद हम लोग चाहे कि अब 50,000 भी अगर कहीं आईपी है तो हम हॉस्पिटल बनाएंगे। उसी तरह से ये हॉस्पिटल बनाया जा रहा है, और आप लोगों को मालूम है हम असंगठित मजदूरों के लिए भी हम काम कर रहे हैं। असंगठित मतलब धर लीजिए उसमें आशा वर्कर भी हो सकता है, उसमें आंगनबाड़ी वर्कर भी हो सकता है, गाड़ी के ड्राइवर भी हो सकता है। आप लोग मीडिया के और साथी हैं, आप लोग भी असंगठित में आ जाएंगे, आप लोग भी ई श्रम कार्ड बना सकते हैं। ई श्रम कार्ड बनाने के लिए हम करीब 38 करोड़ हम लोग टारगेट रखे पूरे इंडिया में, उसी तरह जम्मू कश्मीर को भी टारगेट रख दिए हैं। शायद मुझे अभी पता नहीं कितना टारगेट है, लेकिन बहुत अच्छे काम चल रहे हैं। मैंने कल कुपवाड़ा में था, देखा कि 90% यहाँ ई श्रम कार्ड बने हुए हैं। ई श्रम कार्ड बनाने के लिए 3 चीज़ चाहिए हमें, टेलीफोन नंबर, आधार कार्ड और बैंक के अकाउंट, ये तीनों अगर प्रमाण पत्र है तो कोई भी सीजीएस सेंटर में जाके एक ई श्रम कार्ड बना सकते हैं। साथ ही साथ प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना एक योजना हम लोग चला रहे हैं, जिसमें 60 साल उम्र के बाद 3,000 पेंशन मिलने की व्यवस्था भी है, जिसमें नियोता अगर चाहते हैं कि हम प्रधानमंत्री श्रम योगी योजना में हम अपना नाम दर्ज कराना चाहते हैं तो ई श्रम कार्ड में ये व्यवस्था भी है। और हम 18 साल से 40 साल की जिसकी उम्र है वो एसडीए सलाफिया कॉलोनी बटमालियो रोजने वाले लोगों तरफ आज पीएचई महकमे खिलाफ एहतजाज तो नारबंदी करना आमज। एहतजाज में शामिल लोगों तरफ वन आमुत जलाक पत्म कहिया कल पे मुस्तकिल चन आब नश महरूम यम कि लुख मुश्किल मज हन आमद तम शिकायत मुतलिका महकमे कन जिम्मेदारन तम तवान आए तहम सपद तो मुस्तकिल चनाब सहूलत फराम कर नाकाम तमो अवाल जिल इंतजामिया अपील करम अत मामलस कुन गुन यून दिन युत लुकन हंद मुश्किल दूर सपदान यप मुतलिका महकमे क्यों जिम्मेदारों तम अवाल कत कान आब बहली हवाल संजीद कदम तुल युत लुकन राहत वात। ये एसडी कॉलोनी इलाका है, मेन रैक चौक पे हम अभी खड़े हैं, तो हम सारे जो बाशिंदे यहाँ पे खड़े हैं, लोग खड़े हैं, ये सारे एसडी कॉलोनी से हैं, जो बहुत ही बड़ा एक एरिया है जहाँ पे लगभग रेजिडेंशियल एरिया 1,000 से प्लस लोग रह रहे होंगे। मगर हमारे साथ एक और एक कॉलोनी सल्फिया कॉलोनी जुड़ी है,
तो यहाँ बटमालों की जो कि काफ़ी टाइम से 20-25 सालों से पानी से मुयसर नहीं हुए हैं। हम देखते हैं कि हम जब भी डिपार्टमेंट के पास जाते थे कि लोग उनसे रिक्वेस्ट करते थे कि हमारे पास पानी की सुविधा करवा दीजिए, तो वो टाइमली हमें एक लाइन बिछाते थे और लाइन बिछाने के बाद पूरा साल उसी के साथ निकलता था। और लाइन बिछाने के बाद हम देखते थे एट द एंड कि हम वेट कर रहे थे कि हमारे घरों में पानी आएगा, मगर पानी आने की कोई सुविधा मिलती नहीं थी। और जब हम उनके पास वापस नेक्स्ट टाइम जाते थे तो कहते थे कि ये टेल एंड पे हैं तो आपको पानी मुयसर किया जाता था, मगर आज के टाइम पे हम देखते हैं कि इसकी हालत भी बहुत ऐसी खराब। पता तुझे घर वो आब सख्ती कूचा चल आब सख्ती पावरस करो कि गैस जालो कि स्टोव जालो, मगर ये आबस क्या करो आब मूजूब से सठा सख्ती परेशान असान ये लग तो अस गे आब आ चाहे तुम कम तरीके लगो ये बन कह कर मगर अस गे आब वात अस गे आब अस आब वात क्या तहरी सब मस्जिद मस्जिद मशहूर तुम बुझो तपर कि महल जित महल जिते खुदा सस्म आब अत लड़ान कूत कल अस गए दफ्तर तिर तमाम अल्लाह ताला पे फेरान दफ्तर पे दफ्तर अकदे वो दोन तुम करो अर यह ट्रैफिक जाम तुम तुम करो तुम मे नीश गई तमिस त खुदा सस्म अस मर्जाद मोन सम्स लोक पत् गए एस एच यू से बेक वीज तम पायक लाइन मगर तोपत आब कहान। एक्चुअली क्या है कि दैट द रेजिडेंट्स ऑफ बटमालू सफर इन द पीक समर मंथ्स फॉर वांट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर सप्लाईज, बिकॉज क्या है कि बटमालू इज़ एट द टेल एंड ऑफ एवरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड ऑफ एंड और इनकी काफ़ी ग्रीवेंसें इनकी काफ़ी शिकायतें रहती है जहाँ तक कि सेफ ड्रिंकिंग वाटर का सवाल है। अब क्या है डिपार्टमेंट ने इनिशिएटिव लिया कि इनकी प्रॉब्लम्स टू एड्रेस देयर ग्रीवांसेस व्हाट वी डिड वी पुट अ प्रपोजल फॉरवर्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ 25,000 गैलन सम कम पंप हाउस एट द स्पॉट एट रेकचोक सो दैट इट विल मिटिगेट द सफरिंग्स ऑफ ऑल द रेजिडेंट्स ऑफ बटमालू एस्पेशली द रेजिडेंट्स ऑफ सल्फिया कॉलोनी एंड एसटी कॉलोनी नाउ बिकॉज एज यू ऑल नो द एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर हैज बीन डिक्लेयर्ड एज अ ह्यूमन राइट बाय द यूनाइटेड नेशंस एंड ईच एंड एवरी वन has you know equal rights for the department you know for the safe drinking water and the department the public health department is committed enough to ensure the availability of safe and potable ibarje khai jigi pura kulgam roznwale lukut phi makhmus khilaf ehtijaj to narbaji karmaz ehtijaj mein shamil lukut tarf sho wanamuzi alaksh pitmi kahya kalpet saf chanab nish mahroom yumkin luk kahya na mushkil maz chanamet लूकन वन दिवे मवाल मुतलिका महकम नश त शिकायत वातन आए तहम दुम अं कुन यमकिन लुख आवलिन मन हन आए मुकमी लुको मवाल इंतजामिया अपील कर्म अत मामलस मन गुन यून दिन तो लूकन हंद मुश्किल दूर कर सवाल गंजीद कदम तुलने यन युत लूकन राहत वा। सोन मसल यह गाम आब पन मगर सह महबानी कर अंद गाम त्रेश कह जोगी पोरा रोजान अच्छा त्रेश कह सोन मसल कर हर महबानी तो महबानी कर डिपार्टमेंटस अपील अस ग त्रेश सोन अपील अगर नौ घंटे आब मे मगर ठ घंटे चोर घंटे गोस आब मे तमाम बरदारी गस त्रेश चन तमाम बरदारी त्रेश वात महबानी तो महबानी कर सोन अपील गस ब्रो ग सह गई तुज महबानी अगर जन सोन अपील ब्रो पक खीजोगी पोरा पे ये ये जन नाग से खीजोगी पोरहस मज मगर सोन आब सोरे शालपुर कतर फिटर तक तम आब पकन तूर योर अच्छा त्रेश तो कुछ अच्छा वर्जिस आब रोजान वन बनो ये टंकी
टंकी फोड़ तुम दिन ये नाग से आब अनो मगर अस नाग ऐसी आब ऐसी बेचान अच्छे कुछ आब फोर सम ये मस्तूरात बन गाव लड़ फेर आब अन मगर सोन आब शालपुर कातर सो तम दुहस मिनट से आब छ जे आर सारे जे आर चटित अस नश नम पोस आब मगर आब फोर वुन कुन दपिक त्रेश मे अद गो खेल बुत सो कित गो आब पन्न नागन हूं मेहरबानी कर करूम या करो आब सप्लाई अथनु कातर शालपुर सोन आब चटित सो थी नजरीन खबर नाम जारी यह वक्त जारी वक्फ़।